दोस्तों, अक्सर हम हमारे कमज़ोर होते हुए शरीर को सुधारने के लिए, उसमें एनर्जी देने के लिए और हमारी बिगड़ती हुई हेल्थ को सुधारने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहते हैं, ऐसी चीज़ों की जानकारी खोजने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी सेहत को सुधार मिले और हमारा शरीर थका थका सा ना रहकर पूरा एनर्जेटिक रहे। दोस्तों, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे तरह के सप्लीमेंट आते हैं जो ये आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी हेल्थ को सुधार देंगे, आपके अंदर की कमजोरी को दूर कर देंगे और किसी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उससे निजात पाने के लिए इन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन सप्लीमेंट्स को लेने के बाद जितने फ़ायदे इनके देखने को नहीं मिलते, उससे कई ज़्यादा इनके नुकसान देखने को हमें मिलते हैं। दोस्तों, हम इधर उधर चीज़ों को खोजने की बजाय और महंगे से महंगे प्रोडक्ट को खरीदने की बजाय अगर अपने घर की किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी हमें हो जो कि हमारी सेहत को बहुत अच्छी तरीके से निखार सकती है, हमारे शरीर को एनर्जी से भर सकती है, उनके बारे में अगर हम जान लें तो हमें किसी भी महंगे प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके किचन में ही वो सारी चीज़ें मौजूद होती है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। कुछ लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि इन चीज़ों से ऐसा कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती जाती है, हम दूसरे सप्लीमेंट्स की ओर झुके रहते हैं, पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद हमसे कहता है, जो कि आयुर्वेद हमें बताता है कि हमारे घर में ही ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके जरिए हम हमारी हेल्थ को ना सिर्फ सुधार सकते हैं बल्कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ही एक ऐसी ही सामान्य चीज़ के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं जो कि है किशमिश। जी हाँ दोस्तों, किशमिश के आज की इस वीडियो में ऐसे फ़ायदे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो शायद आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे और इन फायदों को जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, किशमिश के स्वास्थ्य से हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप किशमिश खाने के फायदे के बारे में जानते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि किशमिश के गुण केवल इसकी मिठास तक सीमित नहीं होते बल्कि शरीर से जुड़ी कई सारी शारीरिक समस्याओं से आराम पाने के लिए भी सूखी किशमिश के फायदे उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, हाजमा ठीक करने से लेकर यह शरीर में एनर्जी बढ़ाने तक का काम करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये तो नहीं कह रहे कि किशमिश के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को आप दूर कर देंगे, ये किसी चीज़ का इलाज नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इससे वो सारे फायदे मिल सकते हैं जो कि आप महंगे से महंगे सप्लीमेंट को लेकर पाने की सोचते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं किशमिश के वो मेन फायदों के बारे में जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, इसका पहला फायदा आता है एनीमिया में। जी हाँ, एनीमिया का एक कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाना होता है। इस समस्या से शरीर में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता जो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। तो दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में किशमिश के फायदे देखे जा सकते हैं। जी हाँ, किशमिश को आयरन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है, इसलिए एनीमिया के लिए आहार में एक किशमिश का नाम भी अगर आप जोड़ दें अपनी डाइट में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा दोस्तों, हार्ट के रोगों से बचने में भी किशमिश खाने के फायदे आपको बहुत देखने को मिलेंगे। जी हाँ, दरअसल एक जानकारी के अनुसार किशमिश खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकती है जिससे कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाले हार्ट के रोग के जोखिम से आप बच सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के पीछे किशमिश के कौन से गुण काम करते हैं ये इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। दोस्तों, किशमिश के गुण कैंसर जैसी घातक बीमारी के जोखिम को कम करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ, दरअसल एक शोध के अनुसार किशमिश के मेथनॉल एक्सट्रैक्ट में एंटी रेडिकल और कैंसर प्रिवेंटिव गुण पाए जाते हैं जो कोलन कैंसर के बचाव में कुछ हद तक मददगार हो सकते हैं। हालांकि अन्य कैंसर स्थितियों में किशमिश किस प्रकार लाभदायी प्रभाव दिखा सकती है इसके लिए अभी और भी ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन किशमिश कैंसर का इलाज करने या उससे पूर्ण रूप से बचाने में लाभदायक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ हद तक कैंसर के लक्षणों को कम करने में किशमिश के फायदे देखे गए हैं। दोस्तों, एसिडिटी एक आम समस्या है जिसमें सीने से लेकर पेट तक जलन का एहसास होता है, इससे निजात पाने के लिए किशमिश का सहारा आप ले सकते हैं। दोस्तों, किशमिश को उन
खाने व पीने वाली चीज़ों में शामिल किया जा सकता है जो एसिडिटी को कम करने में हेल्पफुल होती है। इससे जुड़े एक शोध में जिक्र मिलता है कि किशमिश में एल्कलाइन गुण मौजूद होता है जो शरीर में एसिड की मात्रा को सामान्य स्तर पर लाकर रहता है, जिससे एसिडिटी जैसे रोग में काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि किशमिश एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है। जी हाँ, किशमिश को कार्बोहाइड्रेट का एक प्राकृतिक नेचुरल सोर्स माना जाता है। यह एक्सरसाइज के दौरान ब्लड ग्लूकोज का लेवल बनाए रख सकती है, जिससे शरीर में एनर्जी का प्रवाह बरकरार रह सकता है। दोस्तों, एक प्रकाशित शोध से ये बात साबित होती है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए किशमिश को आहार में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि किशमिश मुंह और दांतों के हेल्थ के लिए भी काफ़ी लाभकारी होता है। दरअसल, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि किशमिश खाने से कैविटीज से बचाव हो जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार किशमिश में फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट और ओलिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो उन बैक्टीरिया के विकास को रोकने में मदद करता है जो डेंटल केरीज यानी कि दांत खराब होने का एक कारण बन जाते हैं। इसके अलावा किशमिश में पाए जाने वाला फाइटोकेमिकल्स दांतों की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए मुंह में बैक्टीरिया जैसे कि म्यूटेंट स्ट्रेप्टोकोकस के विकास को रोकने में भी मदद करता है, जो कि एक कैविटी का मेन कारण माना जाता है। दोस्तों, वजन को कंट्रोल करने में भी किशमिश काफ़ी फायदेमंद होती है। दरअसल, एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि किशमिश में डाइट्री फाइबर और प्रीबायोटिक पाए जाते हैं। ये दोनों तत्व पेट में अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ बैक्टीरिया को बनाने में हेल्पफुल होते हैं, जिनकी मदद से वजन कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। हालांकि वजन को कंट्रोल करने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज और संतुलित डाइट का भी सेवन करना पड़ेगा, तभी जाके आपका वजन कम होगा। इसके अलावा दोस्तों, किशमिश को सेहत के लिए फायदेमंद ड्राई फ्रूट में एक सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जी हाँ, किशमिश की इस कार्यप्रणाली के पीछे इसमें मौजूद खनिज काम करते हैं। जर्नल ऑफ फार्माकोग्रोसी और फाइटोकेमिस्ट्री में प्रकाशित एक शोध के अनुसार उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी ऐसा एक खनिज काम करता है। दरअसल, इसमें मौजूद पोटेशियम बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को तो कम करता है और हृदय रोग के खतरे को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल माना जाता है। दोस्तों, कई लोगों का ये मानना है कि डायबिटीज से ग्रसित लोग किशमिश का सेवन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि सीमित मात्रा में अगर आप किशमिश का सेवन करेंगे तो डायबिटीज़ नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। माना जाता है कि किशमिश की ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, जिसके कारण यह इंसुलिन रिस्पॉन्स को बेहतर करने में मदद कर सकती है, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। आपको बता दें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक मापक होता है जो ये आपको बताता है कि खाद्य पदार्थ कितनी तेजी से ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। आपको ये भी बता दें कि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाने पीने वाली चीज़ें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये आपको संक्रमण से भी बचाकर रखने में हेल्पफुल होता है। जी हाँ, इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल और एंटी बैक्टीरियल। इसके अलावा किशमिश का अर्क ओरल बैक्टीरिया, म्यूटेंट्स स्ट्रेप्टोकोकस जो कि एक दांत टूटने का कारण माना जाने वाला बैक्टीरिया होता है, उससे लड़ने में, मुँह को स्वस्थ बनाए रखने में यह हेल्पफुल मानी जाती है। दोस्तों, शरीर में हुआ किसी भी प्रकार का संक्रमण आपकी फ्लू का यानी कि बुखार का कारण बन सकता है। बुखार जब आता है जब शरीर उस संक्रमण का कारण बने बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करने की कोशिश करता है। ऐसे में किशमिश उन बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्पफुल माना जाता है। माना जाता है कि किशमिश में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो इन बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्पफुल होते हैं। फिलहाल इस सब्जेक्ट पर अभी और शोध किए जाने हैं, इसको पूरा पुख्ता नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल ज़रूर होता है। दोस्तों, स्किन के लिए भी किशमिश के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। दरअसल, एक शोध के अनुसार अंगूर और अंगूर के आधारित उत्पाद में क्रीमो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं जो स्किन कैंसर से बचाने में कुछ हद तक मददगार होते हैं। वहीं एक शोध में यह भी जिक्र किया हुआ होता है कि किशमिश एक प्रभावकारी स्किन टोनर की तरह वर्क करता है। तो दोस्तों, देखा आपने, केवल एक किशमिश जो कि आपकी किचन में आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन शायद आपने आज से पहले अभी तक इसके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि एक किशमिश भी
इतने सारे फायदों से भरपूर हो सकती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी किशमिश के बारे में। दोस्तों आज की ये हमारी जानकारी कुल मिलाकर की गई रिसर्चों के आधार पर हमने आपको बताए हैं कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, वो सारी रिसर्च के जरिए हमने आपके सामने रखे हैं, जिससे कि आपको समझने में यह हेल्प मिले कि आखिर किशमिश किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।